जैसा कि देख पा रहे हैं मारुति की अल्टो है, 2013 का मॉडल है इसका। आज ये जो कंट्रोल पैनल रिपेयर करने जा रहे हैं, क्यों रिपेयर करने जा रहे हैं, ये जो डायरेक्शन बटन है ना, यहाँ से तो घूम रहा है बट यहाँ से जो कनेक्टेड है केबल, वो केबल यहाँ से निकल गया बटन के पास से। इसकी वजह से हम इसका कंट्रोल पैनल खोलेंगे। तो कंट्रोल पैनल खोलने के लिए सबसे पहले ये वाली फाइबर अपने को खोलना पड़ेगा, स्विच बॉक्स का जो स्टीयरिंग के नीचे दिया हुआ रहता है। ये खोलने के बाद इसमें एक स्क्रू रहती है यहाँ पे, वो स्क्रू निकल दिया हूँ। और उसके बाद ये वाला जो है, इसमें स्क्रू नहीं रहता है कुछ, ये खींच के निकल जाएगा आपका। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये निकल गया। अब इसमें एक और एक स्क्रू इधर रहेगा। ये दोनों स्क्रू खोल के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तब तक के लिए मैं स्क्रू खोल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं ये भी स्क्रू निकाल दिया हूँ और ये भी स्क्रू निकाल दिया हूँ। और ये वाली जो केबल है, वो केबल निकालना पड़ेगा, हीटर का केबल निकालना पड़ेगा और मोड बटन का केबल, जो कि मैं निकाल दिया हूँ और ये इजिली बाहर आ जाएगा। लॉक रहते हैं, और ये दो सॉकेट रहेगी, एक लोड का और एक एसी का कंट्रोल पैनल में जो गया है वो वाली सॉकेट। इसको डर से दबाना पड़ेगा थोड़ा। निकाल दिया हूँ सॉकेट, अब ये बाहर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे, बाहर आ चुका है और आप देख रहे हैं ये वाली यहाँ से निकल गई है केबल। देख पा रहे हैं निकल चुकी है। इसकी वजह से यहाँ से बटन तो घूम रहा था लेकिन बट ये केबल को नहीं घुमा पा रहा था, लुब्रिकेशन नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से मोड बटन चल नहीं रहा था, नहीं एक ही जगह हवा आके अटक गया था। तो चलो फिर हम इसको फिटिंग करते हैं, यानी केबल को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको बैठा दिया हूँ। ये केबल बैंड हो चुकी थी और बैंड होने के बाद ये निकल जाता है, अपनी जगह से निकल जाता है। ये बैंड कब होने लगता है, ये केबल जो कनेक्टेड रहता है फ्लैप से ना, तो फ्लैप जाम होने लगता है धीरे धीरे, या फिर उसमें धूल मिट्टी वगैरह जाके बैठ जाता है ना। तो वो फ्लैप दो तीन कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, एक चक्री जिसे बोलते हैं, वो दो तीन फ्लैप को लेके एक साथ घुमाता है, कभी डायरेक्शन यानी कभी कांच पे हवा आती है तो तीन फ्लैप रहता है, तीनों फ्लैप को जो घुमाता है, तो उसमें ग्रीस दिया हुआ रहता है, तो ग्रीस धीरे धीरे सूखने लगता है या फिर धूल मिट्टी जाके जाने लगता है उधर, तो वहाँ जाम हो जाता है, तो इसके ऊपर लोड आ जाता है। तो ये केबल जितना प्रेशर इसमें झेलने की ताकत रहती है उतना तक झेलता है, और जब ज़्यादा मिट्टी वगैरह जम जाता है तो इसमें इसको बैंड हो जाता है, जब यहाँ से आप घुमाते हैं बटन से, तो जब बैंड हो जाता है तो यहाँ से इजीली निकल जाता है। तो सबसे पहले हमारे को वो फ्लैप को लुब्रिकेशन करना पड़ेगा, फिर इसको फिटिंग करके फिर हम डाल के देखेंगे घूमता है क्या नहीं बराबर। तो चलो आगे मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, फिटिंग करने के बाद फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्लैप जाम है, जितना फ्री रहना चाहिए उतना फ्री नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चलना मांगता है। ये चक्री में एक ये फ्लैप है और एक ऊपर है और एक यहाँ बीच में रहता है, तीन फ्लैप है, वो तीनों को घुमाता है। तो इसमें ग्रीसिंग करेंगे हम, थोड़ा सा ग्रीस वगैरह डाल देंगे, लुब्रिकेशन फुल फ्री कर देते हैं, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए ये खोलना पड़ेगा मेरे को, ये स्क्रू खोलने के बाद ये चक्री बाहर आ जाएगी और हम इसके नॉब में ग्रीस डाल देंगे तो ये फ्री हो जाता है। तो चलो फिर हम इसमें खोल के ग्रीसिंग डाल के फिर आगे दिखाऊंगा आपको। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं फ्लैप की चक्री जो है निकाल दिया हूँ, ये रही, मैं इसमें ग्रीसिंग पूरी तरीके से कर दिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं,
प्रॉपर तरीके से ग्रीस डाल दिया हूँ उसमें, ताकि मैं आपको दिखा दिया इसकी वजह से, ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है अंदर, कैसा घूम रहा है। तो चलो मैं ये इसको फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फाइनली इसको फिट कर दिया है, प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया हूँ, और मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्रीली घूम रहा है। और हीटर का भी दिखा देता हूँ आपको, देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से घूम रहे हैं। तो चलो फिर हम ये कंट्रोल पैनल का पूरा फाइबर वगैरह फिटिंग करके फिर आगे दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं फाइनली कंट्रोल पैनल वगैरह जो भी खोला था मैंने सब फिट कर दिया, फ्लैप वगैरह सब, केबल वगैरह सब लगा दिया हूँ, और गाड़ी अभी अपनी अभी चालू भी है, गाड़ी चालू कर चुका हूँ, और एसी चालू है। कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.9 पे आ चुका है, 7.8, 7.4, 7.2, 7.1, ट्रिप मार दिया कंप्रेसर। और ये जो बटन अपन खोल के रिपेयर किए इसको, तो ये प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो चुका है। तो मैं यहाँ से तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि ये मेरा रिपेयर हो गया है, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी डाउट आ सकता होगा कि आपने ऐसे ही खोल के वीडियो बनाने के लिए ही सिर्फ ऐसा किया, नहीं ऐसा नहीं है। तो इसके लिए मैं एक प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ हवा डायरेक्ट कांच पे ले रहा हूँ और सामने पेपर रखा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, पेपर में हवा लग रही है, दिखाई देता होगा, मैं ब्लूर की स्पीड ये कर रहा हूँ, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो मतलब यहाँ से प्रॉपर हो चुका, कांच पे हवा में रखता हूँ तो कांच पे आ रहा है। पहला जैसे मैंने कंट्रोल पैनल खोलने के बाद आपको दिखाया कि केबल निकल चुकी थी, तो मैंने आपको लाइव भी दिखाया। तो हेलो दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने का मेरा रीजन यही है, क्योंकि बाहर जो है ना, अगर यही चीज के लिए आप लेके जाते ना, किसी को दिखाते कि ऐसा ऐसा हो गया, तो आपको लूटने के चक्कर में ना बहुत कुछ फॉल्ट निकाल देता, कभी बोल देता आपका गैस कम है, या फिर कूलिंग नहीं, कंप्रेसर गया है, यानी बहुत सारी फॉल्ट निकाल के आपको लूटने के चक्कर में लूट लेता आपको, और लूटते हैं बाहर बाजार में। अगर आप भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको भी समझ में आता होगा कि क्या क्या हो रहा है बाहर मार्केट में। तो इस वजह से मैं ऐसा वीडियो बनाने के लिए बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप चीजें क्या हो रही ना वो समझ जाओगे ना, तो फिर आपको कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता है, या फिर आपको कोई गलत डिसीजन नहीं दे सकता है कि ये गया है तो आप उस टाइम फॉल्ट पकड़ लेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है। आपको समझ में जब आ जाएगा तो फिर आपको आपके साथ कोई गलत फायदा उठा नहीं सकता है। तो मेरा रीजन यही है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट करके आप अगर बताएंगे ना, तो मैं इसके बाद और भी अच्छी तरीके से और भी नया वीडियो बनाऊंगा, ताकि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, यानी दूसरी गाड़ी का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।